हेलो दोस्तों, मैं अनुराग गुप्ता नवी मुंबई महाराष्ट्र से। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक हमारे पास 50 इंच का टीवी आया हुआ है जो लोगो हैंगिंग पे है और देखने का कोशिश करेंगे। AGE का लोगो लगा हुआ है और बोर्ड नंबर देखने का कोशिश करेंगे। TP.HB320.PB801 ये इस पे लोगो हैंगिंग का प्रॉब्लम है और इसका सॉफ्टवेयर करेंगे। BHM शेयर का लोगो है और ये 50 इंच में लगा हुआ है। दोस्तों ये 32 में भी आता है, 40 में भी आता है, 43 इंच में भी आता है। सॉफ्टवेयर सब कुछ सेम चलता है लेकिन Non-HD Full HD करके किया जाता है। ये 10 पेयर है तो Full HD है, और अगर 5 पेयर रहता तो Non-HD है। तो हमारे पास इसका Non-HD Full HD सॉफ्टवेयर दोनों मेरे पास है। USB भी है, MMC सॉफ्टवेयर भी है। लोगो हैंगिंग पे दोस्तों ये आया हुआ है। और रही बात पहचान करने की, तो ये दोस्तों 512 MB, 1 GB, 4 GB में ये सॉफ्टवेयर आता रहता है। तो पहचान करने का तरीका है, MMC पे देखिएगा तो लिखा रहता है MMC पे। तो मैं आपको दिखा दूं कि MMC पे क्या लिखा है। MMC पे लिखा है दोस्तों 4G। देखिए 4G लिखा है, मतलब ये है 4G लिखा हुआ है। हालांकि कैमरा में ब्लर दिख रहा है दोस्तों, 4G लिखा हुआ है। आप ध्यान से देखिएगा, मैं चिमटा लगा के आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों ये 4G लिखा हुआ है, यहाँ पे 4G लिखा हुआ है। और मैं लोगो हैंगिंग पे है दोस्तों। तो किसी भी MMC को अगर आपको पहचान करने नहीं आ रहा है कि कितना GB है क्या है, तो इसका सीरियल जो नंबर होता है वो गूगल पे सर्च मारिएगा तो डायरेक्ट लिख देगा आपको कि ये कितना GB में है और क्या है। तो आप वहाँ से पता कर सकते हैं और हमसे सॉफ्टवेयर ले सकते हैं। तो और ये 50 इंच का है दोस्तों है, और ये मॉडल नंबर का फोटो है। मॉडल नंबर है IND50SB4G। देखिए दोस्तों इस पे भी लिखा है 4G के नाम से ये है। और 50 इंच का टीवी है दोस्तों, ये साइड में टीवी लगा हुआ है। मैंने इसका बोर्ड खोला है, इसी का बोर्ड खोला है वो, और ये लोगो हैंगिंग पे है। तो मैं इसको पेन ड्राइव द्वारा सॉफ्टवेयर करूँगा। पेन ड्राइव और MMC में सॉफ्टवेयर कैसे किया जाता है दोस्तों, अगर टीवी चालू है लोगो हैंग पे है तो पेन ड्राइव से सॉफ्टवेयर किया जाता है। अगर MMC का प्रॉब्लम है तो MMC का सॉफ्टवेयर कैसे पहचान किया जाता है। ऑल वोल्टेज ओके है, टीवी चालू नहीं हो रही है, इंडिकेटर आ रहा है या फिर नहीं भी आ रहा है, तो MMC का फॉल्ट होता है। कुछ लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो इसीलिए मैं बता दूँ दोस्तों, टीवी डेड है, ऑल वोल्टेज ओके बन रही है, टीवी चालू नहीं हो रही है, इंडिकेटर आ रहा है चाहे नहीं भी आ रहा है, तो MMC का फॉल्ट है। अगर टीवी चालू हो रही है और लोगो हैंग पे है, अगर Non-HD करना है चाहे Full HD करना है, तो उसके लिए USB सॉफ्टवेयर करना पड़ता है। 32 इंच में, 40 इंच में, 43 इंच में यही मदरबोर्ड आता है। मदरबोर्ड देखने का कोशिश करेंगे, यही मदरबोर्ड है। तो हमारे पास इसका USB सॉफ्टवेयर है, जो मैंने एक हमारे गुरुजन है रहीम मंसूरी सर, उनसे मैंने ये लिया था। सॉफ्टवेयर देखने का कोशिश करेंगे। इस पे भी लिखा है 4G, इस पे भी लिखा है, और ये RAR फाइल में बनाया हुआ है। तो मैं इसको एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाल लिया, तो ये 218 MB में RAR किया हुआ है। एक्सट्रैक्ट करके इसको निकाला तो आप देखने का कोशिश करेंगे, 513 MB का बना है लेकिन Full HD है। देखने का कोशिश करेंगे 19:20:1080। इसके अंदर भी एक फाइल है दोस्तों, ये अंदर एक फाइल है, SOS किया हुआ है। तो मैं ये फाइल को पेन ड्राइव में डालूंगा। तो पेन ड्राइव को मैंने इसमें लगाया है, और पेन ड्राइव को मैं फॉर्मेट मार लेता हूं। तो PC यहां से खोलता हूं, PC। हालांकि ये लैपटॉप छोटा पड़ता है, इसलिए मैंने इसका HDMI से कन्वर्ट करके और TV में मैंने लगाया है, थोड़ा कि बड़ा दिखेगा आप लोगों के लिए। तो मैं वहां पे लगाया हूं और कट कर देता हूं और PC खोलता हूं। PC और PC खोलने के बाद यहां पेन ड्राइव को फॉर्मेट मार लेता हूं। दोस्तों कभी भी सॉफ्टवेयर करना है तो पेन ड्राइव को फॉर्मेट मारना ही पड़ेगा। कुछ लोग होते हैं कि उसमें कुछ भी फोटो वोटो रहता है उसी में सॉफ्टवेयर डाल लेते हैं और कहते हैं कि सॉफ्टवेयर नहीं हो रहा है। तो मैं उनको बता दूँ कि फॉर्मेट करना पड़ेगा,
पेन ड्राइव, तभी आपका वो सॉफ्टवेयर उसमें जाएगा और तभी रनिंग करेगा यानी काम करेगा। जो नए हैं उनके लिए वीडियो खास तौर पे मैं बना रहा हूँ, जो पुराने हैं उनको तो पता है कि सॉफ्टवेयर कैसे किया जाता है। तो पेन ड्राइव हमें आ रही 16 GB का है और तो फॉर्मेट हमने मार लिया है और डाउनलोड किया हुआ है, टेलीग्राम से मैंने डाउनलोड किया है। तो डाउनलोड करने के बाद ये फाइल था और मैंने इसको एक्सट्रैक्ट किया है यहाँ पे, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसके अंदर एक फाइल बनी है जो कितना MB की है, 513 MB का है। तो इसको सेंड करेंगे USB में, सेंड कर लेंगे USB में, USB में हमने सेंड कर लिया और ये USB में जा रहा है। दोस्तों थोड़ा समय लगेगा, वीडियो को पीस कर लेते हैं। तो दोस्तों ये पेन ड्राइव में चला गया, हालांकि फास्ट हुआ, मैं फ़ोन आ गया था तो मैं नहीं दिखा पाया। तो पेन ड्राइव में दोस्तों चला गया है, तो मैं पेन ड्राइव में दिखाता हूँ। यहाँ कट कर लेता हूँ और PC को खोलता हूँ। PC खोला और USB में खोला और यहाँ देखिए दोस्तों PC का है, 513 MB का है दोस्तों। USB में मैंने डाला, यहाँ दिख रहा होगा USB ड्राइव F, USB में 513 MB का है दोस्तों, इसमें डाल लिया है। और इसको कट कर लेते हैं और ये पेन ड्राइव को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं लैपटॉप से। तो मैंने रिमूव किया है, मैकेनिक साहब थोड़ा लगाइएगा। तो देखिए दोस्तों अभी भी बीजेटम शेयर पे, हाथ हटाइएगा, बीजेटम शेयर पे दोस्तों अभी भी है। 15-20 मिनट तक ये बीजेटम शेयर पे रहता है, फिर उसके बाद बंद हो जाता है TV। तो अभी भी बीजेटम शेयर पे है और TV को बंद कर लेते हैं और USB को स्लॉट 1 में लगाए हैं। तो 2-3 बार उसको निकालिए डालिए, निकालिए डाले हो। तो दोस्तों पेन ड्राइव कभी भी लगाएं तो 2-3 बार उसको अंदर बाहर कर लें, ताकि उसमें जंग मॉइस्चर होता है ना, डस्ट, तो रिमूव हो जाता है। तो उसके बाद पेन ड्राइव लगाए हैं और देख रहे हैं कि डायरेक्ट अगर लेने लगा तो ठीक है, नहीं लिया तो पावर बटन को दबाए रखना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों डायरेक्ट ये ले लिया, डायरेक्ट ले रहा है दोस्तों सॉफ्टवेयर आपके सामने। जो भी वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, लाइव ही वीडियो बनाता हूँ, तो ये आपके सामने लोगो हैंगिंग पे था, तो मैंने इसको सॉफ्टवेयर कर रहा हूँ, ये सॉफ्टवेयर हो रही है। हालांकि इसमें छोटा छोटा आपको दिख रहा होगा, तो मैं क्या करता हूँ कि ये यहाँ से PC को रिमूव कर लेता हूँ, और रिमूव करने के बाद इसमें भी ऑप्शन है तो इसमें मैं इन कर देता हूँ और इसको नीचे कर देता हूँ, और देखने का कोशिश करेंगे। मैंने TV में उसको रिमूव करके लगा दिया है, बड़ा बड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। और इसमें वार्निंग दोस्तों दे रहा है, वार्निंग, TV को बंद नहीं करना है, अगर TV को बंद कर लिए तो बोर्ड डेड हो जाएगा, तो इसके लिए MMC करना पड़ेगा। अगर आपके पास लाइट भी चली गई, रूम में लाइट चली गई या लाइट भाग गई, तो ये बोर्ड डेड हो जाएगा, तो उसके लिए MMC सॉफ्टवेयर करके जिंदा किया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं बनेगा, बनता है, तो इसके लिए है, बनता है। तो देखिए सॉफ्टवेयर ये फास्ट हो रही है। तो और जो हमारा इसमें क्या लिखा है, अपग्रेड सक्सेस्ड प्लीज रिबूट द मैचिंग। तो देखिए दोस्तों सॉफ्टवेयर होने के बाद ये रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन हो रही है कंटिन्यू, देखने का कोशिश करेंगे, हालांकि मोबाइल में ब्लर हो रहा है, रेड ग्रीन हो रही है। तो ये कह रहा है बंद करने के लिए, तो कैमरा मैकेनिक साहब थोड़ा बंद कर दीजिए। फिर पेन ड्राइव को निकाल लिए, वहाँ से पेन ड्राइव को निकाल लिए हैं। हालांकि वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलेगा USB सॉफ्टवेयर, जो मैं नए मैकेनिक हैं दोस्तों, नए मैकेनिक हैं उनको सीखने को मिलेगा। तो देखिए बीजेटम शेयर का लोगो आ चुका है, TV चालू हो चुकी है, रेजुलेशन है 1920x1080, फुल HD का सॉफ्टवेयर हमने मारा था, 10 पेयर का इसमें LVDS लगा हुआ है, 10 पेयर का यानी फुल HD है। तो ये TV चालू हो रही है और हालांकि थोड़ा सा समय लगेगा, 1-2 मिनट तक ये बीजेटम शेयर और जो हमने USB सॉफ्टवेयर मारा है तो उसको जगह बना रहा है, अंदर जाने के बाद बूट हो रही है, बूट होने में थोड़ा 1-2 मिनट समय लगता है, फिर आएगा आगे। तो हमारे पास रिमोट है तो रिमोट से कीजिए, नहीं है तो माउस से भी किया जाता है। आपके घर में माउस होगा, लैपटॉप का, चाहे कीबोर्ड का, चाहे यूनिवर्सल रिमोट है, हालांकि इसका रिमोट देखते हैं कौन सा काम करेगा, कस्टमर ने रिमोट लाकर नहीं दिया था और चाइना मारा है हमने, तो देखते हैं कौन सा रिमोट काम करेगा। और देखिए दोस्तों ये चालू हो चुका है, तो हम माउस लगा के देखते हैं एक बार कि माउस से हो जाता है, नहीं तो रिमोट से भी कर लेंगे। तो माउस लगाए हैं सर जी, और देखिए उसमें तीर का निशान भी आ रहा है, तो इंग्लिश है तो अलाउ कीजिए, यहाँ यहाँ करके यहाँ पे कीजिए, तो अलाउ कीजिए,
अलाउ किए आगे बढ़े। देखिए दोस्तों माउस से चल रहा है, हमने अभी तक रिमोट नहीं लगाया है, वाईफाई कर रहा है तो इसको नेस्ट कर दीजिए, नेस्ट कीजिए, वाईफाई बाद में कनेक्ट कर लेंगे, फिर नेस्ट कीजिए और फिर वॉच टीवी कर दीजिए। तो दोस्तों सेटअप फिनिश हो चुका है, आप ओके कीजिए। दोस्तों जो भी वीडियो बनाता हूँ मैं लाइव ही कैंसिल कर, ओके करने के बाद कैंसिल करना चाहिए था ना, फिर दो बार कैंसिल कीजिए। कैंसिल करने के बाद नहीं आ रहा है, दो बार ये साइड वाला क्लिक कीजिए, फिर ओके कीजिए, ओके कीजिए तभी ना आप बैक हो जाइएगा। कैंसिल कर रहे हो साहब, ओके कीजिए, ओके हाँ, अब फिर ये वाला बटन दबाइए दो बार, नहीं आ रहा है तो इसके लिए रिमोट लगेगा। तो यूनिवर्सल रिमोट ढूंढते हैं कहाँ है, तो चाइना रिमोट मिला है ना, तो चाइना रिमोट से देखिए वॉल्यूम प्लस करके देखिए और होम पेज दबा के देखिए, होम पेज आ रहा है हमारे पास। दोस्तों चाइना रिमोट है, देखिए ये चाइना रिमोट है, पेयर करने के लिए इंडिया का है, इंडिया का ये रिमोट है और इसमें 10 कंपनियों का दिया है पेयर करने के लिए, 10 बटन दिया है पेयर करने के लिए, इसमें 15-20 कंपनी इसमें चलता है, यूनिवर्सल रिमोट जिसको बोला जाता है, पेयर हो चुका है, चल रही है। तो होम पेज दबा के देखिए, HDMI लगा दीजिएगा, HDMI लगेगा तो HDMI चलेगा, होम पेज लगा के देखिए। हालांकि जो दोस्तों जो भी वीडियो बनाता हूँ, लाइव ही वीडियो बनाता हूँ, बोर्ड नंबर अभी भी देखने की कोशिश करेंगे, बोर्ड नंबर वही है और पेन ड्राइव सॉफ्टवेयर हमने मारा है, पेन ड्राइव सॉफ्टवेयर से रिकवरी हुआ है, ओके हो गया है। और इसका होम पेज देखते हैं दोस्तों, होम पेज कैसे आता है, रेजुलेशन, क्योंकि थोड़ा बटन में उल्टा सीधा काम करता है। तो ये टीवी सक्सेसफुल्ली ओके हो चुका है, तो इसी तरह आपका प्यार और सपोर्ट बना रहेगा। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो और नए एपिसोड के साथ, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।